फेलोज तो कैसे आप लिखते हैं दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो लगातार दिन रात मेहनत करी ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप पर रह सके। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं 10 स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सारी चीजें आपके लिए आ रही है। और आज इंग्लिश ग्रामर के तहत हम लेकर आ चुके हैं आपके कंपाउंड वर्ड्स। अब कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है चलिए जानते हैं। यानी दोस्तों जब दो अलग अलग वर्ड्स, क्या दो अलग अलग वर्ड्स साथ में आ जैसे स्नो और बॉल। स्नो एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है। अब दोनों साथ में आ रहे तो क्या बन जा रहा है, स्नो बॉल बन जा रहा है। और स्नो बॉल क्या होता है, एक नया मीनिंग आता है। यानी स्नो होता है बर्फ की जो बॉल बनाते हैं, उसी को हम लोग स्नो बॉल बोलते हैं। यानी एक नया मीनिंग फॉर्म हो रहा है। तो यही चीज तो आपका कंपाउंड वर्ड। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं फुल, तो फुल क्या है, एक अलग वर्ड है, यानी पूरा। और मून क्या है, एक चांद। समझ में आ रहा है, तो साथ में आ गया तो क्या बन गया, फुल मून बन गया। तो मेरे ख्याल से समझ रहा होगा, बेस और बॉल। बेस और बॉल क्या होता है, जैसे बेस अलग चीज है, बॉल अलग चीज है। तो ये आपका क्या बन गया, बेस बॉल बन गया। मेल और बॉक्स, मेल मतलब आपका, आपको पता ही है, और बॉक्स मतलब डब्बा होता है, ये भी आपको पता है। तो ये आपका बन गया मेल बॉक्स। स्नोबॉल मैंने अभी आपको समझाया ही था। फुट और हिल्स, तो क्या बन गया, फुट हिल्स बन गया। डोर मतलब दरवाजा और वे मतलब रास्ता, तो डोर वे। समझ में आया। जैसे एक और मैं बता देता हूं, बास्केट और बॉल। तो बास्केट मतलब अलग होता है और बॉल मतलब अलग, तो दोनों साथ में आ गए तो बन गया बास्केट बॉल, यानी गेम बन गया। तो मेरे ख्याल से कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं आप सभी को समझ में आ गया। समझ में आ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लगातार हमारे चैनल के साथ अपना पढ़ाई जो है बरकरार रखिएगा। और साथ ही साथ लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट के लिए, गारंटीड क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए, एग्जामिनेशन क्या फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे प्रदीप सर के अपडेट वाले चैनल, यानी प्रदीप गिरी अपडेट को दोस्तों, जहां पे सर लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट सारी चीज। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे हमें टैग कर सकते हैं आप अपनी पढ़ाई किस तरह से कर रहे हो दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच, आप वीडियो के आखिर तक बने रहे, और हम मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।